नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बेलारूस 920.4। मजे वाली बात है कि 0.4। और इस ट्रैक्टर की अपने बात करेंगे, आपने सुना होगा कुछ ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी पावर लिफ्टिंग है वो जितनी नीचे काम करती है उतनी ऊपर काम करती है, जितनी ऊपर करती है उतनी नीचे करती है, यानी कि नीचे भी जिस तरह से हाइड्रोलिक ऊपर उठाने का कार्य करती है उसी तरह से नीचे गिराने का कार्य भी करते हैं। तो सारी जानकारी के लिए अपने साथ हैं सर, जिसे अपने पूछेंगे बेलारूस के बारे में सारे फीचर्स, कितने HP का है, कितना डीजल लेता है, क्या कुछ कार्य करता है। स्वागत है सर, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि ट्रैक्टर कितने HP का है, क्या कीमत है, और अपने इंडियंस इसको खरीदना चाहें तो कैसे खरीदें। नमस्कार सभी को, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बेलारूस ट्रैक्टर है ये एरिशा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जॉइंट वेंचर के अधीन बेलारूस से इम्पोर्ट किया गया है। इस जॉइंट वेंचर में हम वहाँ के ट्रैक्टर्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है ये 84 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 4750 cc की है, और जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है बैकअप टॉर्क की, वो 30% का बैकअप टॉर्क इसमें से मिलता है, जो हर प्रकार का बड़े से बड़ा काम करने हेतु एक बड़े ट्रैक्टर को चाहिए पड़ता है। इसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम की है। 4000 किलोग्राम की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी आज तक किसी भी ट्रैक्टर में अवेलेबल नहीं हुई है। इसके अंदर MMZ का इंजन लगा हुआ है। ईच एंड एवरी पार्ट, अगर मैं बोलूँ प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक इसका नट बोल्ट टायर जो भी आप इसके अंदर देख रहे हैं वो सब तक पूर्णतया बेलारूस से ही बन के आया है। और हाइड्रोलिक्स की विशेषता ये रहेगी कि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स 2-साइड ऑपरेशनल है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 4000 किलोग्राम की फोर्स के माध्यम से आपको हर प्रकार का उपकरण चलाने हेतु सक्षम ट्रैक्टर है। अब मैं इसकी दूसरी पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें आप अगर आगे से देखेंगे इस ट्रैक्टर में फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट दिया हुआ है। हम लोगों ने वेट्स, फ्रंट वेट्स दिए हुए हैं 20-20 किलो के, ये वेट्स हैं। अगर आप देखेंगे 100 किलो इस तरफ, 100 किलो इस तरफ, ताकि इसके ऊपर पूरी बैलेंसिंग बनी रहे। आप अगर आगे आएंगे तो फोर व्हील ड्राइव की फैसिलिटी देखेंगे आप इस ट्रैक्टर के साथ, फोर व्हील ड्राइव आपको मिलेगा। फ्रंट के ये दो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट आप देखिए, आगे की तरफ अटैचमेंट लगाने के लिए फ्रंट भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हम लोगों ने दिए हुए हैं। मतलब आगे लोडर लगाएं JCB की तरह तो काम करेगा। जी हाँ, लोडर लगाएं, फ्रंट का कोई आप अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, डोजर लगाना चाहते हैं, हर प्रकार का उपकरण, बड़ा हैवी से हैवी उपकरण लगाने के लिए इसमें आपको AC, हीटर, सनरूफ, जो इसकी सीट है वो बिल्कुल डीलक्स सीट आपको मिलेगी, ताकि आपका ड्राइवर, आप अगर स्वयं चला रहे हैं, परिवार है, जो भी ड्राइव कर रहा है वो 12 घंटे भी अगर ड्राइव करता है तो फील होगा। जैसा आपने बोला लग्जरी, ये लग्जरी के साथ साथ धाकड़ ट्रैक्टर का एक बहुत अच्छा उपनाम हम लोगों ने इसका सुना है यहाँ पे मार्केट में लोगों से, कि ये बहुत ही दबंग, बहुत ही धाकड़ ट्रैक्टर है और लग्जरी के फीचर्स हमने दिए हैं इसमें। AC इतना पावरफुल है कि थोड़े समय में पूरा केबिन ठंडा हो जाता है। हीटर की फैसिलिटी दी है कि सर्दियों में काम करना है तो हीटर की फैसिलिटी रहेगी। सनरूफ रहेगा, चारों तरफ के पैनल ओपन हो जाएंगे, ये सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको। ये टायर्स आप देख रहे हैं रेडियल टायर हैं, और जैसा हम फोर व्हीलर्स में देखते हैं अपने ट्यूबलेस टायर्स हैं। ट्यूबलेस टायर्स की विशेषता रहती है कि कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आप इसकी कोडिंग देखेंगे तो साइज आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ के साइज़ के नहीं है ये टायर। ये इनका टायर का मेक गेयरबॉक्स के कॉम्बिनेशन के माध्यम से मिक्सअप है। आपको देखने में 84 हॉर्स पावर में छोटा लगेगा, लेकिन उपयुक्त है ताकि व्हील स्लिपेज ना हो, मैक्सिमम पावर आपको मिले। आप इसके रियर एंड में देखेंगे तो लिंक्स, जैसा मैंने आपको बोला हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 4000 किलोग्राम की है। PTO इसमें 540 RPM दोनों RPM के आप हैं। टॉप लिंक हो गई, ये भी इम्पोर्टेड आपको मिलेगी। लोअर रिंग्स की लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं आपके उपकरण के हिसाब से। तो आपको 135 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है, पर्याप्त काम करने की क्षमता रखता है। अब आपने पूछा था, हमारा लुधियाना में डायनेमिक मशीनरी स्टोर्स हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके माध्यम से हम आपको यहाँ पे पंजाब में प्रोवाइड करा सकते हैं। प्राइस इसका केवल 25 लाख रुपया है एक्स शोरूम, और इसके अंदर अन्य मॉडल्स भी आते हैं। जैसे अगर किसी को 50 हॉर्स पावर का इंपोर्टेड फोर व्हील ड्राइव लेना है वो मिल जाएगा, 62.5 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव लेना है वो मिल जाएगा। ये सभी तीनों मॉडल्स हमारे इंडिया में अप्रूव्ड है वाहन पोर्टल में, और कस्टमर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने एक मेक इन इंडिया ट्रैक्टर भी बना लिया है 50 हॉर्स पावर का, जिसको हम 50-19 के नाम से, दर्श ट्रैक के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हमने वॉल्वो का इंजन लगाया है, करारो का गेयरबॉक्स लगाया है, और मीटा की लिफ्ट लगाई है।
उस ट्रैक्टर में भी हमने जो बैकअप टॉर्क है उसकी सबसे बड़ी विशेषता बेलारूस की, वो 30% की है, तो उसके हिसाब से हमने रखा है। बेलारूस से वो इंजन हमने अप्रूव करवाया है और वॉल्वो का इंजन अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में नहीं लगा है। तो वो ट्रैक्टर हमारा मेक इन इंडिया का ट्रैक्टर है और उसका प्राइस जो रहेगा हमारा वो इंडियन मार्केट के हिसाब से रहेगा लगभग 8 लाख रुपए का, टू व्हील ड्राइव का रहेगा। सर अपने बात करें कि ये ट्रैक्टर अगर कोई लेना चाहें तो अपने कितने दिन बुकिंग के बाद ये ट्रैक्टर अपने को मिल जाएगा, और अभी अपने इंडिया में फिलहाल कितने ट्रैक्टर बेलारूस से इंपोर्ट करके आपने सेल किए हैं? सर देखिए, हमने पिछले 2019 से हम इस प्रबंध के हिसाब से हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो कोरोना काल की वजह से कुछ कम बिजनेस हो पाया था, लेकिन पिछले साल से इस साल में हम लोगों ने 17 ट्रैक्टर्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। अभी हमारे पास इंडिया में कुछ 3-4 ट्रैक्टर 84 हॉर्स पावर के, 2 ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर के और 2 62 हॉर्स पावर के अवेलेबल हैं। अगर किसी को लेना हो तो तुरंत प्रभाव में हफ्ते में मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कोई मॉडल अगर बेलारूस का किसी को पसंद हो तो उसको मंगवाने में लगभग 90 दिन का समय लगता है। बाय शिप आते हैं, बाय वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है बाय सी होता है, तो लगभग 90 दिन का समय लगता है किसी भी प्रकार के बेलारूस के प्रोडक्ट को बुलवा मंगवाने के लिए। सर अपने बात करें, जैसे आपने बताया कि इसके टायर का जो साइज है वो अपने यहाँ इंडियन ट्रैक्टरों को टायर के साइज के मैच नहीं कर रहा है जी, तो इसके टायर घसने पर किसान टायर कहाँ से खरीदेगा? हम मंगवा के देंगे। इसमें जो भी पार्ट्स हैं, हमारे पास एक फास्ट मूविंग आइटम की किट हमने अपने महसाना प्लांट में ऑलरेडी रखी हुई है, और बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई सामान अगर जरूरत पड़ता है तो लगभग 20 दिन का कोरियर का समय लगता है। 20 दिन में हमारे पास कोरियर डिस्पैच हो जाता है, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की हम पूर्णतः जिम्मेवारी लेते हैं। इसमें हमने 2 साल की 2500 घंटे तक की वारंटी दे रखी है, एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन है, तो सर्विस के प्रति हम कटिबद्ध रहेंगे कि किसी भी किसान भाई को हमारे साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और लोकल मार्केट में इसका कोई स्पेयर पार्ट का सामान नहीं मिलेगा? नहीं, संभव नहीं है शायद, क्योंकि तो नई चीज़ है अपने इंडिया के लिए। तो जी, तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी सर आपने उपलब्ध करवाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बताया। और कोई मॉडल अगर लेना चाहें तो भाई आप ले सकते हो, बेलारूस से संबंधित ट्रैक्टर है और अन्य जो इंडियन ट्रैक्टर है उनके मुकाबले मेरे को बहुत बेस्ट लगा। और सर अपने बात करें कि अन्य इंडियन जो ट्रैक्टर है फोर व्हील ड्राइव में, इसके समथिंग एचपी के 40-45 एचपी की, उसकी कीमत में और इसकी कीमत में कितने रुपये का डिफरेंस है? सर देखिए, मैं अगर आपको बेसिक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज हम 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की बात करते हैं टू व्हील ड्राइव की, वो लगभग 8-8.5 लाख रुपए की रेंज में किसान भाई के लिए अवेलेबल है। उसी को अगर हम अपग्रेड करते हैं फोर व्हील ड्राइव में तो लगभग वो 10-10.5 लाख रुपए की कीमत में आ जाता है नॉन एसी वर्जन में। इंडिया के अंदर जो लोकल एसी मैन्युफैक्चरर हैं, जो केबिन बनाते हैं, अगर वो उस पर केबिन लगाएंगे तो लगभग 3 लाख रुपए की कीमत और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब 50 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव का एसी केबिन का ट्रैक्टर इंडियन मेक जो होगा वो लगभग 13 लाख रुपए के करीब किसान भाई को पड़ेगा, और हम ये दे रहे हैं 25 लाख रुपए का। अब इसमें फीचर्स आप देखिए, जो मैंने आपको 4000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी बताई, 2 साइड ऑपरेशनल इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट बताया, एसी केबिन जो है वो इम्पोर्टेड बताया, और हॉर्स पावर आपको 84 हॉर्स पावर बताई, जिसमें पीटीओ पे 75 हॉर्स पावर मिलती है। तो अगर इन फीचर्स की हम साथ में ऐड ऑन करते हैं तो अगर हम 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा कोई किसान भाई भर सकता है तो उसके लिए वो ज्यादा वर्थ रहेगा रेदर देन गोइंग फॉर 50 हॉर्स पावर। डीजल एवरेज क्या कुछ रहती है अपने घंटे? डीजल एवरेज की मैं बात करूं तो ये लगभग 8 लीटर के करीब प्रति घंटे खाएगा, क्योंकि इसमें उपकरण अगर हम बड़े लगाएंगे, जैसे 14 फीट का रोटावेटर लगाएंगे तो आपको जो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही इकोनॉमिकल मिलेगी। इसमें 22-22 की हैरो लगाएंगे हम, तो उससे क्या आपका एरिया कवरेज ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो एरिया कवरेज के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन मिलेगी वो बहुत ही इकोनॉमिकल मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई, उम्मीद करूँगा आज तक आपको ऐसा YouTube चैनल पर वीडियो नहीं मिलेगा जो बेलारूस से संबंधित खुल के इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।